हेलो, अगर आपको अपने फ़ोन के लिए, टच स्क्रीन फ़ोन के लिए, अगर आपको कोई ऐसा टच डिवाइस बनाना है, जैसे कि आजकल मार्केट में टच पैन आता है, लेकिन टच पैन लेने से अच्छा हम उस टच पैन को बना सकते हैं बहुत सारे तरीके से। एक सिर्फ एक ईयरबड के सहारे अपन एक टच पैन बना सकते हैं। देख सकते हैं आप कैसे काम करता है ये, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम करता है। ठीक है, इसमें आप बहुत सारे मल्टी यूज़ कर सकते हैं। आपको कुछ देखना है आराम से, कॉल वॉल सब आप इस तरीके से बिना हाथ लगाए आप इसका कर सकते हैं यूज़ इसका। आप पेंट में इसका आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए या किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसको बनाने का बहुत ही ईजी विधि है, हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। इसके लिए आपको चाहिए बस एक छोटा सा ईयरबड, इस टाइप का ईयरबड आपको चाहिए, और आपको चाहिए इस टाइप का एक वायर। ठीक है, इस टाइप में नहीं हो तो भी चलेगा, आपके पास किसी भी तरह का वायर होना चाहिए। सबसे पहले आप इस वायर को कट कीजिए, जितना लेंथ आपको चाहिए उसी हिसाब से वायर को कट कर लीजिए। वायर को कट करने के बाद इस वायर को पूरा हमको छीलना है, पूरा ना पूरा पूरा इसको हमको निकालना है, वायर के अंदर के पोर्शन को अपने को बाहर निकालना है। ऐसा कर करके आपको इसको पूरा निकालना है, यहाँ तक का पूरा पूरा निकालने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से वायर आ जाएंगे। ठीक है, इस वायर को अगर आपको सिंगल यूज़ करना है सिंगल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसका मल्टी यूज़ करना है, मतलब जैसे कि दो तीन वायर मिला के भी आप इससे काम कर सकते हैं। ठीक है, हम सिंगल में बना के देखते हैं। जैसे कि अगर आपका वायर छोटा ही पड़ जाता है तो हम उसको बड़ा कर सकते हैं इस दो वायर को ऐसा जोड़ के, ऐसा हम इसको जोड़ देते हैं ताकि हमारा वायर और बड़ा लंबा हो जाए। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका जो ईयरबड है यहाँ पे टॉप साइड में इसको ऐसा लपेटना है। स्टार्टिंग पॉइंट में ज़्यादा आप इसको लपेटो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर इसको पूरा ऐसा यहाँ तक का पूरा इसको बैंड कर देना है। ठीक है, हमारा जो टच काम करता है हमारे बॉडी के चार्ज से काम करता है, तो बॉडी का चार्ज उसको इस वायर के सहारे मिलेगा। और चार्ज प्रोवाइड करने के लिए रूई को हमको थोड़ा गीला करना पड़ेगा। गीला मतलब एकदम ही गीला नहीं करना है, इसको आप हल्का गीला कर सकते हो, हल्का हल्का आप डुबा दीजिए इसको तो गीला हो जाएगा। अगर ज़्यादा गीला हो जाता है तो आप इसको पोंछ सकते हो, एकदम हल्का मॉइस्चर होना चाहिए। इसके बाद आप टच पैन का देखें काम कर रहा है कि नहीं है। ज़्यादा गीला हो जाता है तो कभी कभार काम नहीं करता, बट इसको आप सुखा सकते हो थोड़ा पोंछ के। अब देखिए ये हमारा बन गया सिंपल, एक मिनट में आपका टच पैन बन सकता है बहुत आसान तरीके से। वैसे ही काम कर रहा है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो, क्योंकि हमको उंगली में जब ऐसा टच करते हैं तो हमको बहुत दिक्कत होता है लिखने में, समझाने में। बट आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से किसी भी डायग्राम को बना सकते हो, कुछ भी आप इसमें टाइप कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो यही है, बहुत आसान विधि है बनाने का, इसको आप भी ट्राई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।